स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर कॉमर्स सेक्शन, रिसेंटली वी रीड अबाउट इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड नाउ वी प्रोसीड टू सेकेंड मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. बिफोर वी गोइंग टू बी प्रोड्यूस ओवर एक्सपेंडिचर मेथड, वी गोइंग टू बी क्लियर अ कॉन्सेप्ट. The whole national income, the measurement of national income concept, what depends upon O equal to Y equal to C, whether O equal to output, Y equal to income and C equal to consumption. ये माना जाता है कि जितना उत्पादन होता है उतना ही आय जनित होता है on the basis of VMPL basis. In previous class we read about this VMPL, value of marginal productivity. क्योंकि हम किसी भी factors को उतना ही आय देते हैं जितनी उसकी उत्पादन में उत्पादकता होती है, इसीलिए उत्पादकता के बराबर आय होगा. और ये भी माना जाता है कि वो आय उतना ही वो खर्च कर देगा इन टू टर्म्स, या तो वो मार्केट में एक्सपेंड करेगा या फिर सेविंग करेगा. ये आय फिर घूम करके इंडस्ट्री में आउटपुट के निशान पे चले जाएगी. तो O इक्वल टू वाई इक्वल टू सी, इसमें इनकम मेथड को हमने देख लिया है. अभी हम लोग कंजम्पशन मेथड को यानी एक्सपेंडिचर मेथड को देखने जा रहे हैं. एक्सपेंडिचर मेथड में द फोर आइटम्स वी हैव टू बी एड अप एंड दैट्स द फर्स्ट आइटम इज वी हैव टू बी एड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा इकोनॉमी में जो है वो मिक्सड इकोनॉमी है. देवर एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. जो भी अमाउंट दिया रहेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उसको हम ऐड करेंगे. दूसरा जो चीज है जिसको हम ऐड करेंगे वो करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये भी जो अमाउंट दिया रहेगा इन दोनों को ऐड करेंगे. इसमें कोई दूसरा चीज नहीं है, सीधा सीधी अमाउंट दिया रहेगा क्वेश्चन में. Private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, and both amounts should be add up while we calculating national income through expenditure method. The third item ko hum kehte hain gross domestic fixed capital formation. Gross domestic fixed capital formation, iska bhi jo amount hoga isko bhi humko add karna hai. Lekin yahan pe thodi si savdhani humko rakhni hai ki iske teen part hote hain. Isme a part hota hai ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, बी पार्ट होता है ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और सी पार्ट होता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. तो अगर ये तीनों पार्ट, अगर ये हेड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर मान लो 500 रुपया दिया हुआ है, तब तो इसके तीनों पार्ट में से किसी को नहीं जोड़ेंगे. लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है और ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 150, ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट 200 और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 100 दिया हुआ है, तो इसको हम जोड़ेंगे. ठीक है, जैसे हम लोग घर में रिपेयरिंग कराते हैं तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है. सरकार अगर किसी पब्लिक गुड्स को इन्वेस्ट करके मैनेज करती है, किसी पुल को ठीक करवाती है, मरम्मत करवाती है, तो वो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है. ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हम लोग अगर कोई मकान लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो वो ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट में आता है. तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन जानते हैं हम लोग, कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस, द इन्वेस्टमेंट, द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. तो कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट टेक थ्री फॉर्म्स, आइदर इट इज डन और मेड बाई प्राइवेट पब्लिक्स इन देयर हाउसहोल्ड, वो मकान खरीदे, वो मकान को रिपेयरिंग करवाएं, वो मकान बनवाएं, वो जमीन खरीदें. ऐसा ही सरकार भी करती है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट. इसमें केवल यही ध्यान देना है कि अगर हेड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हमको इस तीनों हेड को नहीं जोड़ना है, और अगर ये हेड नहीं दिया हुआ है तो ये तीनों में से कोई भी दिया हुआ है या तीनों दिया हुआ है तो तीनों को हम जोड़ेंगे. चौथा आइटम जो है वो है नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये प्लस माइनस. अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इम्पोर्ट कम है, तो ये हमारे लिए प्लस में आएगा, और अगर हमारे एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज्यादा है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव में आ सकते हैं. नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट.
इन चारों आइटम को, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट को जोड़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं जीडीपी एट एमपी, क्योंकि जो भी एक्सपेंडिचर है वो हम मार्केट प्राइस पे करते हैं, और जब मार्केट प्राइस पे करते हैं तो वहां पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जो प्रोड्यूसर है वो उस डेप्रिसिएशन कॉस्ट को प्राइस में जोड़ करके रिटेलर को और होलसेलर को वो पास करता है, इसलिए वो ग्रॉस आएगा। डोमेस्टिक, क्योंकि ये जितना भी एक्सपेंडिचर है विद इन वन फाइनेंशियल ईयर दैट होल एक्सपेंडिचर वी गोइंग टू बी एड इन ए डोमेस्टिक टोटल, इसलिए ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। और मार्केट प्राइस, क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर वो मेड अपॉन मार्केट प्राइस, तो इसलिए हमको जीडीपी एट एमपी आएगा। एंड एज वी नो दैट जीडीपी एट एमपी इज नॉट नेशनल इनकम, तो यहां से नेशनल इनकम जाने के लिए फिर हमको कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। जीडीपी एट एमपी आएगा इन चारों को जोड़ने के बाद, इसमें से जैसे ही हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट हटा देंगे, माइनस कर देंगे, ये जी एन में, नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा एनडीपी एट एमपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें जैसे ही हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका काम हम जैसे ही करेंगे, हमको ये एनएनपी एट एमपी आ जाएगा, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और इसमें से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से जैसे ही हम एनआईटी को माइनस करेंगे तो हम आ जाएंगे एनएनपी एट एफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा शुद्ध राष्ट्रीय आय है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि व्हाइल वी कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, वी हैव टू बी कैलकुलेट फोर पार्ट्स, फोर थिंग्स। फर्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट गोइंग टू बी एड वेरी नॉर्मली, देयर वर नो हेजिटेशन। सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट आल्सो बी गोइंग टू बी एड विदाउट एनी हेजिटेशन। थर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाइल वी एड अप द ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल कैपिटल फॉर्मेशन, वी हैव टू बी सम केयर ऑफ इट्स अदर पार्ट्स इन क्वेश्चन। इफ द हेड वर गिवन एंड आफ्टर हेड देर आर एनी पार्ट वर गिवन इन क्वेश्चन, दैट पार्ट नॉट गोइंग टू बी एड अप, बट व्हाइल देर इज नो हेड वी गोइंग टू बी एड ऑल द थ्री पार्ट्स विच इज गिवन इन क्वेश्चन। एंड फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट, आफ्टर एड अप ऑफ दीज फोर आइटम वी achieve GDP at MP, gross domestic product at market price, and from GDP at MP, while we deduct depreciation cost, we get net domestic product at market price, and from net domestic product at market price, if we do the function of NFIA, net factor income from abroad, we get net national product at market price, and from net national product at market price, when we deduct NIT, net indirect tax, we get NNP at FC, it means net national product at factor cost, which is our national income. That's all.